और आपका आज वीडियो स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी, बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। और बड़ी कोलैबोरेशन की हमने बोलने में पहले भाई हम लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस की है कि भाई ये बोलना है, मतलब चतुर्थी चतुर्थी बोलना है हम लोगों ने, हम लोग कोशिश करनी है कि हम सही तरीके से प्रोनाउंस कर सके। एनीवे गाइस देखते हैं आज वीडियो, क्योंकि लाल बाग झा की जो वीडियो है वहाँ पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि गणपति आगमन होता है उसका बहुत ही एक नाम है, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले टाइटल बताऊंगा ना, टाइटल है लाल बाग झा राजा 2024 डेकोरेशन 10 क्रोर्स डेकोर फॉर गणपति फेस्टिवल, पूरा बताना था ना। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें चैनल को, उसके अलावा लोग जाएंगे लेकिन इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इस बार का डेकोर देखो, बद्रीनाथ टेम्पल के जैसा थीम के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। ऊपर की तरफ देख रहे हो यहाँ पर है ना, काफी सारे लाइट्स के ना बॉल्स लगाए गए हैं, जो वेव्स के शेप में ना ऊपर बॉल्स लगाए गए हैं। ये लाइंस है जो नॉर्मल विजिटर्स के लिए जाती है लालबाग के राजा के दर्शन के लिए। वो ब्लू पत्रे देख रहे हो और रेड कलर के कर्टन्स देख रहे हो, उसी के अंदर है ना इस बार मूर्ति तैयार की जा रही है। और अभी तो है ना यहाँ पर हो सकता है मूर्ति बन के है ना पूरी रेडी भी हो चुकी होगी। सामने अभी जो कर्टन्स ढके हुए हैं वो है ना फाइनल डे पे वो रिवील करेंगे। आज के ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं मुंबई के लालबाग में, जहाँ पर है ना लालबाग के राजा गणपति जी बिठाए जाते हैं। आप जो ये देख रहे हो ये उसका मेन गेट यहाँ पर बनाया हुआ है। ये जो गेट है ना यहाँ पर इस टाइम पर बद्रीनाथ का जो टेम्पल है उसके थीम के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। अभी गेट्स पर है ना लाइटिंग्स नहीं की गई है, बाकी अंदर की तरफ तो है ना सारी लाइटिंग चालू कर दी है। यहाँ पर ये गेट देख रहे हो ना, ये देखो पूरा बद्रीनाथ टेम्पल के जैसा थीम के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। ये जो रोड आप देख रहे हो इतनी सारी गाड़ियां यहाँ से जा रही है, ये सारी गाड़ियां ना यहाँ से ब्लॉक कर दी जाती है जब भी गणपति फेस्टिवल स्टार्ट होगा, तभी के टाइम पर है ना सिर्फ यहाँ पर वॉकिंग्स ही आ सकते हैं लोग। एकदम आगे सिग्नल के पास से है ना ये वाला रोड पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये वाली देखो आप लेन देखो, काफी पतली सी गली है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये काफी पतली गली है। और आप सोचो इसमें से है ना लालबाग के राजा गणपति जी बाहर लाए जाते हैं, काफी पतली नैरो लेन बनी हुई है पूरी। तो एग्जिट करते हैं ना वो भी देखो यहीं से एग्जिट करते हैं, बाकी वो जो मूर्ति बनाई जाती है ना वो मूर्ति जो अंदर की तरफ ही बनाई जा रही है वो चीजें ना हम अंदर चलकर अभी देखते हैं। तो देखो ये वही लाइंस है जो नॉर्मल विजिटर्स के लिए जाती है लालबाग के राजा के दर्शन के लिए, वो तरफ से है ना लाइंस यहाँ पर एग्जिट करती है और वहीं से लाइंस आगे है ना यहाँ पर दर्शन के लिए जाती है। देखो हम लोग उस लेन के अंदर आ चुके हैं जहाँ से आप लोग भी है ना हमेशा दर्शन के लिए आए होंगे। तो देखो ये वाली जो मैं लेन पर खड़ा हूँ ना ये वही वाली नॉर्मल विजिटर्स की लेन है जहाँ पर देखो हमेशा है ना भीड़ लगी रहती है। और यहाँ पर दोनों भी तरफ है ना ये लेन में दोनों भी तरफ दुकानें बनी हुई है। जब भी 10 दिन के लिए गणपति फेस्टिवल स्टार्ट होता है ना दोनों तरफ की भी दुकानें बंद हो जाती है। इस बार का डेकोर देखो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, यहाँ पर है ना काफी सारे लाइट्स के है ना बॉल्स लगाए गए हैं जो कि देखो वो पूरे है ना पीछे तक वेव्स के शेप में है ना वो पूरे बॉल्स लगाए गए हैं। चलो मैं आपको है ना और आगे की तरफ ले चलता हूँ। आगे देखो यहाँ पर है ना सामने आप जो ब्लू पत्रे देख रहे हो और रेड कलर के कर्टन्स देख रहे हो उसी के अंदर है ना इस बार मूर्ति तैयार की जा रही है। देखो डेट है यहाँ पर 3rd September और गणपति फेस्टिवल मुंबई में स्टार्ट हो रहा है 7th September से। तो 7th September को है ना यहाँ पर जो लालबाग के राजा का जो मूर्ति है ना वो भी उसी दिन रिवील करते हैं। और यहाँ पर है देखो इतने दिन तक है ना यहाँ पर जो मूर्ति बनाई जाती है ना वो देखो यहीं पर बनाई जा रही है और ये है ना पूरी तरीके से ढक के रखते हैं जब यहाँ पर मूर्ति बनाई जा रही है, ये है ना लास्ट तक रिवील नहीं करते वो लोग, डायरेक्टली है ना गणपति फेस्टिवल के फर्स्ट डे को ही रिवील करेंगे यहाँ पर जो मूर्ति उनकी होगी। और जैसा कि मैंने गेट की तरफ से आपको बाहर से दिखाया, बाहर गेट तो है ना पूरा बद्रीनाथ के थीम के ऊपर बनाया गया है, इस बार देखते हैं मूर्ति का भी थीम हो सकता है उससे मिलता जुलता कुछ हो। और अभी तो है ना यहाँ पर हो सकता है मूर्ति बन के है ना पूरी रेडी भी हो चुकी होगी, क्योंकि अभी सिर्फ है ना 3 से 4 दिन बाकी है यहाँ पर गणपति फेस्टिवल स्टार्ट होने में, सिर्फ हो गए कुछ फाइनल टचअप्स यहाँ पर चल रहे होंगे इस कर्टन्स के अंदर अब। तो देखो लेन के आगे की तरफ आते हैं ना, आगे की तरफ देखो यहाँ पूरा है ना बेल्स का पूरा डेकोरेशन किया गया है। आप देखो सारे है ना यहाँ पर काफी सारे ऐसे बेल्स आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं, उनका पूरा डेकोरेशन किया गया है। और सिक्योरिटी भी है ना ऑफकोर्स यहाँ पर काफी ज्यादा हाई टाइट होती है। आप देखो सभी जगह पर है ना यहाँ पर कैमराज भी लगे हुए है। और देखो वो जो सामने अभी जो कर्टन्स ढके हुए है वो है ना फाइनल डे पे वो रिवील करेंगे। और अभी देखो मूर्ति का काम भी वहाँ पर है ना चल ही रहा हो। ये वाली जो लेन आपने देखी ना ये सारे नॉर्मल विजिटर्स की ये पूरी लेन है जो यहाँ पर है ना मुख दर्शन के लिए आते हैं। मुख दर्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो यहाँ पर दूर से ही चेहरा देख के चले जाए उनकी वो यहाँ से लाइन लगती है।
वो यहाँ पर है ना लाल बाग का जो मेन गेट है उसी के बगल से यहाँ पर लाइन स्टार्ट होती है, मुख्य दर्शन वाली लाइन है ना यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। आप यहीं से दर्शन करके है ना ये देखो इस तरफ है ना ये पूरा एग्जिट बना हुआ है। और मैं आपको ये वाली जगह दिखाऊं ना तो यहाँ पर है ना ये फिश मार्केट बनी हुई है। ये फिश मार्केट है ना ये कोली लोगों की फिश मार्केट है और इसी फिश मार्केट की वजह से है ना लालबाग के राजा का भी यहाँ पर बिठाने का स्टार्ट किया गया था। और अभी मैं इस फिश मार्केट में आया हुआ ना मुझे तो यहाँ पर फिश की है ना जरा सी भी स्मेल नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ से है ना सारी चीजें अभी क्लीन कर दी गई है क्योंकि जितने भी लोग दर्शन के लिए आएंगे वो यहीं से एग्जिट करने वाले हैं तो यहाँ पर है ना सारी चीजें अभी नीट एंड क्लीन कर दी गई है। वरना इसके पहले मैं आता था ना तो यहाँ पर आपको फिश की थोड़ी बहुत स्मेल आया करती थी। चरण दर्शन वाली लाइन भी जो मतलब है ना जो लाइन है ना यहाँ पर लालबाग के राजा के पैर के पास से होकर गुजरती है जिनको यहाँ पर पैर को टच करना होता है वो लाइन है ना अलग से लगती है। वो लाइन है ना इसके पीछे की तरफ से आती है और वो लाइन है ना यहाँ पर जो कॉटन ग्रीन स्टेशन है हार्बर लाइन में उसके बगल में लोढ़ा वेनेंजा बिल्डिंग है ना वहीं से वो लाइन स्टार्ट हो जाती है और वो लाइन में है ना काफी ज्यादा क्राउड होता है। उसमें ना आपको 15 से 16 घंटे भी लग जाते हैं यहाँ पर आपका लाइन में नंबर आने के लिए। मैंने लालबाग के राजा का आपको सारा आगे का हिस्सा तो देखा, अभी हम लोग है ना उसके बैक साइड में आ चुके हैं। ये बैक साइड में जो देखो आप ये वाली जो फ्लाईओवर यहाँ पर टेम्पररी पूरे बनाए गए हैं ये वाले फ्लाईओवर है ना यहाँ पर जो मन्नत वाली लाइन रहती है जो यहाँ पर चरण दर्शन के लिए लाइन लगती है वो है ना यहाँ पर कॉटन ग्रीन स्टेशन जो है हार्बर लाइन में वो उसी के वहां से स्टार्ट हो जाती है और ये काफी लंबी लाइन होती है और ये सबसे ज्यादा क्राउडेड लाइन होती है और यहाँ पर नंबर आने के लिए ना करीब 10 से 15 घंटे भी लग जाते हैं। और लेकिन आप पूरे फ्लाईओवर्स पे देखोगे ना तो जूम करके मैं दिखाता हूँ आप देखो यहाँ पर सारे है ना फैंस वगैरह काफी सारा लगाए गए है यहाँ पर दर्शन जो भी करने आने वाले है। ये तरफ लाइन आप आगे देखोगे ना तो ये देखो ये लाइन है ना यहाँ से आगे की तरफ है ना ये फिर जो जहाँ पर लालबाग के राजा जी की मूर्ति बैठती है वो उसी की तरफ चली जाती है। ये अभी हम है ना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस टू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल दैट टाइम गुड बाय। गणेश फेस्टिवल जो है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। मैंने जो है वो कल जो है पोस्ट लगा दी थी इंस्टाग्राम पर सबको जो है मैंने जो है मुबारकबाद दी तो मुझे जो है पता चला कि भाई आज नहीं वो जो है 7 तारीख को जो है 6/7 को स्टार्ट हो रहा है तो वो जो है ना मेरे से मिस्टेक हो गया तो भाई अभी हाँ एडवांस में सबको जो है वो मैंने जो है मुबारकबाद जो है वो दे दी। लेकिन आज जो है भाई वो जिस रूट के बारे में बता रहे थे तो भाई रूट को देखकर एक चीज़ जो है आप कह सकते हैं कि भाई जो इतने भी वॉलंटियर्स जो होते हैं जो काम करते हैं और पूरा जो है मैनेज करते हैं सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भाई उनको जो है ना आपको सल्यूट करना चाहिए क्योंकि वो जब आप गणेश फेस्टिवल के अलावा भी जितने भी फेस्टिवल आप देखते हैं आप उनमें जो मैनेजमेंट देखते हैं लोग जो उसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं वो बड़े एक स्मूथ तरीके से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। वेल मैं ये बोलूँगी कि इनफैक्ट जो फोर्सेज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं बीच में उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक अगर हम लोग पुलिस को देखें तो मतलब वॉलंटियर के साथ साथ क्राउड को संभालना और जो रास्ता उसमें बनाया जाता है ये इतना आसान नहीं होता। बहुत एफर्ट्स चाहिए होती है इसमें पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ का भी जो है वो ख्याल रखा जाता है। आज की वीडियो मुझे इस लिहाज से बहुत अच्छी लगी कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी। लाइक हम लोग पहले भी गणपति विसर्जन से रिलेटेड वीडियो देखते हैं लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने आज 7 सितंबर को देखी मतलब आज से फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हो रहा है और 17 सितंबर तक ये चलेगा। लाइक जहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल्स के 17 सितंबर को इसका गणपति विसर्जन होगा। सो जिस तरीके से उन्होंने रूट दिखाया और फिर जो थीम बनाया गया है इसमें क्योंकि लाल बादशाह की बात करें तो काफ़ी रिनाउंड जगह है जहाँ पर हम लोग ओवर द ईयर्स हमारी यूट्यूब जर्नी में ये हमेशा सुनते आए हैं जब भी गणपति विसर्जन होता है। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि इंडिया में हर फेस्टिवल का एक मज़ा है। लाइक अगर हम गणपति विसर्जन की बात करें आई नो अभी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोगों का एक हजूम एक समंदर जो है वो मूर्ति को लेकर जाता है डांस कर रहे होते हैं ढोल ताशे हो रहे होते हैं फिर उसके बाद कन्फेटीज होते हैं मतलब एक अलग ही समा आपको देखने को मिलता है। और मुझे शायद थोड़ा थोड़ा ये भी याद आ रहा है कि कलर्स भी अब स्मोक बॉम्ब जो है हाँ, वो भी देखने को मिलते हैं। तो मूर्तियाँ जो हुई वो बहुत डिफरेंट बनाई जाती हैं और डिफरेंट थीम्स पर बनाई जाती हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। अभी की अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो मुझे इंटीरियर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा स्पेशली जो बेल्स वाला था उसके अंदर मतलब वो बाद में मुझे पता चला कि आर्टिफिशियल बेल्स हैं क्योंकि मुझे यही लग रहा था देखने में कि ये बेल्स रियल हैं। और क्योंकि अगर हम लोग फूलों की बात करें ना तो जब अंबानी जी
ने शादी की है अपने बेटे की, तो उसमें भी आपको जो खाने पीने वाला वेन्यू था उसमें भी इस तरह के फूलों की सजावट जो है वो आपको देखने को मिल रही थी। बड़ा एक ट्रेडिशनल स्टाइल में आपको बड़ा खूबसूरत सा आप कह लो कि इंटीरियर देखने को मिला। बिल्कुल अच्छा, वो जो है ना फूलों वाला, तो मैं उसके बाद जो है ना जो यूट्यूब पर देख रहा था कि अब जो है ना वो इस तरह के जो है ना वो फ्लावर्स नहीं, वो केमिकल टाइप ही आप कह लें आए हुए कि उसमें जो है ना वो अगर आप फ्लावर्स पे लगाते हैं ना तो उनकी उम्र जो है वो थोड़ी सी जो है ना बढ़ जाती है। इंसानों वाले काम हम पौधों के साथ भी करना शुरू, पौधों के साथ भी करना जो है वो शुरू हो गए हुए हैं। लेकिन मैं इसमें बात कर, जो बेल्स थी वो मुझे जो है ना वो रियल नहीं थी लगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो है ना वो उससे बैम्बू से जो है ना वो इस तरह मुझे लग रहा था कि बनाई गई, लेकिन वो बैम्बू भी नहीं था, वो कोई और ही चीज़ जो है जिससे जो है वो बनी हुई है। और मुझे जो है ना लाइट्स जो हैं वो अच्छी लगी हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब आप इस तरह चलते जाते हैं तो आपके ऊपर से जब लाइट्स इस तरह ब्लिंक होकर जा रही हो या आपको जो है ना एक इफेक्ट जो है वो नज़र आ रहा हो तो आपको जो है ना वो एक चीज़ अच्छी लगती है। फिर उसके बाद जो है जब आप जो है बेल्स वाले सेक्शन में से गुजरते हैं तो नो डाउट बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते हैं हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो मुझे ओवरऑल जो है भाई डेकोरेशन में भी अगर देखा जाए तो अच्छा लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ईमानदारी वाली बात है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स जो हैं वो नज़र आती हैं, फिर उसके बाद आपको जो है डेकोरेशन हर एरिया की अपने हिसाब से नज़र आती है। लेकिन लाल बागचा राजा का जो है वो हम काफ़ी देर से सुन रहे थे। बिल्कुल, और भाई एक और चीज़ भी बड़ी अच्छी लगी, जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनके लिए एक प्रॉपर जिस तरीके से रास्ता बनाया गया और जो फ्लाईओवर साथ में बनाया गया, मतलब देखो ये चीज मैं कहती हूँ कि ऑर्गेनाइज करना, लोगों को ध्यान में रखकर हर चीज ऑर्गेनाइज करना, उनको सुविधा देना, ये बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि वही फेस्टिवल्स आपको ना सेलिब्रेट करने का सबसे ज्यादा मजा आता है, जहाँ पर ना बहुत आपको ऑर्गेनाइज चीजें नजर आती है। भाई देखे ना, दर्शन करने में भी जो है ना उन्होंने उस चीज को डिवाइड कर दिया, जिन्होंने जो है बस दर्शन करने हैं वो आए, वो आए और वहीं से जो है वो चले जाए, जिन्होंने पास से दर्शन करना है उनके लिए जो है अलग से जो है वो एक जगह जो है वो सिलेक्ट कर लेगी, और जिन्होंने जो है कदम कदम जो है उन्हें छूना है, हाथ लगाना है, उनके लिए अलग जो है। पंखे भी लगाए हैं कि इतनी भीड़ में लोग जो, लेकिन मैं ये सुनकर हैरान हो रही थी कि 15-16 घंटे लग जाते हैं यार लोगों को, ये बहुत सीरियसली मुंह से कहने की बात है, 15-16 घंटे बहुत टाइम है। एनीवे गाइस, मैं ये बोलूंगी कि आप सबको एक मतलब फिर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, और अच्छी अच्छी वीडियोस गणपति फेस्टिवल से रिलेटेड ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में स्पेशल अगर बात करें तो इसको बहुत ही ज़्यादा जोशो खरोश से जो है मनाया जाता है। तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है भाई कि आपके यहाँ किस किस तरह का थीम जो है वो रखा गया इस मरतबा, और वीडियोज़ भी ज़रूर सजेस्ट करना, और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।